such personalities, Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, and Chandrasekhar Azad through our dance drama, Azadi Ke Diwane. Thank you.
इनके बल्ले कर दे हिंदी बल्ले 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 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं साइमन कमीशन भारत आ चुका है। ये कमीशन अंग्रेज सरकार का एक और छल है, हमें भरमाने की एक और कोशिश है। चंद अंग्रेज मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कितनी आजादी मिली थी। मैं पूछता हूँ वो ये तय करने वाले कौन है? बिल्कुल, वो ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह इस कमीशन की बहुत मुखालफत हुई है। कल लाहौर स्टेशन पर जब ये कमीशन उतरेगा तो सारी पार्टियां मिलकर इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगी। हम चाहते हैं लोग हमारे साथ रहो, लेकिन वादा है ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। तुम लोगों को शांत रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाओगे। मैं वादा करता हूँ जी, हम सिर्फ नारे लगाएंगे। खुश रहो। आपने इन लोगों को वोट भी क्यों लगा? इन लोगों की सोच हम लोगों की सोच से अलग है। ये दीर घाट के हैं और मीर घाट के, और ये गंदल के हैं। कब किस वक्त इन्हें गुस्सा आ जाए, कब किस वक्त बंदूक निकाले और कब चला दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो लाल जी अपने सरदारों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं, अगर मैं भगत सिंह की उम्र में होता तो लाला लाजपत राय नहीं होता बल्कि भगत सिंह होता। आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सरकार तक पहुंचाने के लिए असेंबली में बॉम्ब फेंकने का विचार पार्टी के आगे रखा। ये काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में जाकर उन्होंने बम से धमाका और उसके पश्चात अपनी बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और हंसते हंसते गिरफ्तारी दी। कुछ भी कहें वो देश के लिए बहुत कीमती है, उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। पंडित जी, मुझे अपनी बहन को लेकर स्टेशन जाना है, मैं चलता हूं। मेरे भारत रत्न चमकना रहने बेटे, पहाड़ ठीक नहीं है, जाओ। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की तफ्तीश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया के लिए निकल जाते हैं। नहीं सुधीर, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा।
कि पैसे राजगुरु की माँ को दे देना, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है।
students. Please put your hands together. Members of the staff, dear parents, and dearest of all my dear students. When I got the message from respected Darsa, Shriji International of Freedom, 14th August, celebrate करना चाह रहा है, so I could not say no to him. And I had many thoughts before coming to this place, but one thing I will tell you is that it was absolutely a mesmerizing experience, a true pleasure, and a great amount of assurance after coming to this place. आज का दिन विशेष है, न केवल आजादी के पर्व परंतु भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होने के कारण. कहते हैं कि आजादी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आजादी की कीमत हम और आप शायद कम जानते हैं, कम आते हैं. आजादी क्या है उनसे पूछिए जिन लोगों ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपना परिवार सब कुछ उस आजादी को पाने के लिए पूरा छावर कर दिया. इनफैक्ट लास्ट लाख देखा जिसमें लिखा था कि क्या हम लोगों ने उन आजादी के दीवारों को भुला दिया है. मुझे लगता है उत्तर जो नहीं होना चाहिए था तकरीबन तकरीबन नाम है. और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के लिए मरने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है, हमें और आपको देश के लिए जीने का सौभाग्य होता है. परंतु क्या हम अपना जीवन उन मूल्यों, उन सिद्धांतों के आधार पर जी रहे हैं? क्या हम अपना एक योगदान, एक भारतवासी होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, क्या हम उस योगदान की पूर्ति कर रहे हैं? ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों से मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों का भी समय नहीं आया. बच्चों को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन एज पेरेंट्स, एज गार्जियंस, एज टीचर्स, एज मैनेजमेंट एंड वी एज ब्यूरोक्रेट्स, आर वी डूइंग इनफ टू बी ट्रू हियर्स ऑफ द फ्रीडम दैट आवर फोर फादर्स फॉर सो हार्ड फॉर. कहते हैं कि कोई भी स्कूल उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी मैनेजमेंट, जितने उसके टीचर्स, जितने उसके और स्टाफ मेंबर्स होते हैं. और यहाँ आने के उपरांत मुझे लगा कि कुचल परिवार ने जो इनिशिएटिव लिया है एक इतनी अच्छी संस्था बनाने का, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं. और मुझे लगता है समाज निर्माण का या राष्ट्र निर्माण का जो दरवाजा है या पहली जो सीढ़ी है वो विद्यालय है. और यहाँ आने से पहले चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब के साथ जब मैं जनमान कर रहा था तो ये बात कही गई कि बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो एक संस्था को बनाने के उपरांत उसको चलाने के लिए जो योग्य मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए पूरी खुली छूट अपने स्टाफ को, अपने मैनेजमेंट को दें. और ये गुण, ये विशेषता कुंचन परिवार में भरपूर मात्रा में पाई गई है, तो मैं इसके लिए उनका एक बार और अभिनंदन करना चाहूँगा. कहते हैं अगर आप एक दिन के लिए या एक सीमित समय के लिए सुख चाहते हैं तो आप पौधों को उगाएं. पौधा उगाना अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का काम, क्योंकि वो पौधा ना हमें सिर्फ छाया देता है, फल देता है,
वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन अगर आप दशकों तक थोड़ा सा सुख चाहते हैं तो आप वृक्ष उगाए, वृक्ष यानी बड़ा पौधा, क्योंकि उससे लकड़ी मिलती है जो कि हमारे जीवन को दूर समय तक, लंबे समय तक सुख का कारण मिल सकती है, उसको बेचकर पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको सदियों तक सुख चाहिए तो आप अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे उगाए, और अच्छे बच्चे उगाने का कार्य है एक अच्छे माली से बेहतर कोई नहीं जानता। और मुझे लगता है आप सब लोग भी मानते होंगे, चेयरमैन साहब ने मुझे ऑलरेडी ये बात बताई है, मुझे नहीं लगता कि 10 साल से अच्छा माली कोई और हो सकता है। बच्चों, विद्यालय वो समय है जो आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरीके से तैयार करता है, जो माइंड, या बॉडी एंड स्पिरिट तीनों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि विद्यालय का जो समय है आप उसको अपने मन, अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट तीनों को डेवलप करने के लिए है। परंतु वो डेवलपमेंट केवल और केवल किताबों से, शिक्षा से और परीक्षाओं से नहीं होता। मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि एजुकेशन इज नॉट व्हाट स्कूल टीचेस यू टू डू इन स्कूल, एजुकेशन इज समथिंग दैट यू डू वंस यू लीव स्कूल। जो पाठ आपको विद्यालय छोड़ने के बाद याद रहे वही सही मात्रा में, वही सही मायने में शिक्षा है। परीक्षाओं में पास होना तो एक प्रक्रिया है, वो आपका एक आकलन करने का, एक आपको असेस करने का, आपको इवैल्यूएट करने का एक प्रोसेस है। परंतु आप उस विद्यालय की बाउंड्री के बाहर जाकर समाज में कैसा कार्य करते हैं, कैसा जीवन निर्वाह करते हैं, वो उसकी तैयारी आपके स्कूल के समय। तो ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि सोनीपत जैसे शहर में एक इतना अच्छा स्कूल जिसमें सारी फैसिलिटीज है, जिसमें इतना अच्छा स्टाफ है, और जिसका जो फोकस, जिसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनके इस कल्चरल प्रोग्राम को देख के लगा कि शायद दिशा उचित है और वही होनी चाहिए। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि अगर जीवन में आपकी दिशा ठीक है, समय लग सकता है, आपकी दिशा निश्चित रूप से सुधर जाएगी। तो जब स्कूल ने दिशा सही चुनी है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये स्कूल दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। परंतु एक बात और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जितनी आवश्यकता कक्षा में बैठ के पढ़ाई की है, उतनी ही आवश्यकता आपको खेलकूद, कल्चरल एक्टिविटीज, डिबेट्स, डेक्लेमेशन ये सब की रहेंगी। और मैं इसको आपसे बिल्कुल दिमाग तौर पर शेयर करना चाहूँगा, इस सौभाग्य का मुझे अवसर मिला आज से 30 वर्ष पहले जब दर साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, और आज मैं उन्हीं के आदेश पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम दैट यू हैव, एंड एज योर वाइस चेयरमैन सर वो सेइंग दैट टाइम इज इम्पॉर्टेंट। और कुछ लोग अक्सर कहते थे सर टाइम इज मनी, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा टाइम इज नॉट मनी मैडम, टाइम इज नॉट मनी, बिकॉज वंस यू लूज मनी इट कैन कम बैक, बट वंस यू लूज टाइम इट कैन नेवर बी बॉट बैक। देयरफॉर ट्राई टू मैनेज टाइम, और ये मूल मंत्र है, गुण मंत्र है जीवन का, कि जो लोग टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं वो जीवन में कुछ भी मैनेज करने की योग्यता निश्चित रूप से पा लेते हैं। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, फोकस ऑन योर माइंड, फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर स्पिरिट। और वो बचपन क्या जिसमें थोड़ी सी शैतानी ना हो, थोड़ी सी नादानी ना हो, लेकिन सब कुछ मर्यादा के अंदर हो, सब कुछ दायरे के अंदर हो, क्योंकि दायरे के बाहर जाने के बाद केवल और केवल विनाश होता है। आज यहाँ आकर एक विशेष प्रकार की अनुभूति मुझे हुई है, तकरीबन 30 वर्ष पीछे जाने का मौका मिला, अपने स्कूल के कुछ दिन याद आए, और अपने 30 सालों की या 3 दशकों की यात्रा के इस पड़ाव पर आकर पीछे देखने का जो मौका मिला, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि कल आप में से पता नहीं कितने बच्चे निकलकर इस दहलीज से निकलकर बाहर जाएंगे, जो अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने गुरुओं का मान बढ़ाएंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करेंगे। और इसी तरीके से जिस
जोश के साथ, जिस शिद्दत के साथ और जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ आज आपने ये प्रोग्राम यहाँ रखा है और जिस तरीके से आपने आपको कंडक्ट किया है, मुझे लगता है कि भारत का भविष्य अनिश्चित तो नहीं है परंतु सुखद दिशा में निश्चित रूप से अग्रसर है। और आप अभिभावकों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि जितनी जिम्मेदारी टीचर्स की है स्कूल में पढ़ाने की, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी आपकी एज ए पेरेंट होती है। जो स्कूल उनको सिखाता है उसको हम अगर घर में उसको अगर रिविजिट नहीं करते हैं, उसको नहीं सिखा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पाठ जीवन का अधूरा या कचरा रह जाता है। तो आप पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, मेरी सलाह है कि आप राष्ट्र निर्माण में अपना बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। और उसके लिए आपको और हमें सिर्फ इतना करना है कि हम एक एक बच्चा ऐसा बना दें, एक एक बच्चा ऐसा स्वयोग्य सिटीजन बना दें जिससे ना केवल आपको एज ए पेरेंट, ना केवल स्कूल को एज ए पेरेंट, बट फॉर द होल कंट्री और इनफैक्ट फॉर द होल मैनकाइंड। हमारे यहाँ तो संस्कृत में बहुत कहावत, बहुत बड़ी मशहूर श्लोक है, अयम निजय परो विधि गणा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। We are the people whose civilization teaches us that the entire world is a family, and the beginning of that family and the unit of that family is the individual, and that individual is nothing but you and me, our children, our ancestors and our coming generations. Therefore, I would just pray to God Almighty ki Shriji International School naye aayam prapt karta rahe, jo bachchon ki sankhya hai wo bhi badhti rahe, aur sankhya ke sath sath bachchon ka jo shiksha ki gunavatta hai वो बरकरार रहे और आने वाले समय में मॉडर्न और ट्रेडिशन दोनों का एक समावेश जो कि बहुत ज़रूरी है। केवल अगर आप ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे मॉडर्न नहीं हो पाएंगे, आज आपकी दौर में पीछे रह रहे हैं, परंतु अगर आप केवल कंटेम्पररी सोसाइटी के वैल्यूज को मानेंगे इट विल बी लाइक ए ट्री विदाउट एनी रूट्स। एंड टू बी हेल्दी ट्री व्हाट यू रिक्वायर डीप रूट्स एंड हेल्दी शूट्स। सो work on the roots, work for the shoots, aim for the sky, and I think that will be a good journey, that will be a good contribution that each one of us can make in the task of nation building. Isi ke saath 15 agast ki shubhkamnaye, Janmashtami ki bahut bahut shubhkamnaye, aur isi prarthna ke saath ki aap logo ka ye jo milan hai ye prativarsh बहुआयामी होगा, नई नई प्रतिभाएं हमें देखने को मिलेंगी और ये स्कूल दिनों दिन रात चौबीस तरक्की करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।